shot that was unequivocally greeted with a loud roar and hoot whistles at Shanda trailer launch on Tuesday 11th August, it was the scene when Alia Bhatt appeared in a bright pink bikini. The less than 5-second shot gave enough glimpse of the uber hot and swelled Alia Bhatt, standing confident and comfortable like the modern Indian women who don't shy away from flaunting their fab body. Alia Bhatt, who had earlier donned a two-piece in her debut movie Student of the Year, was confidence personified when asked about her second bikini outing. बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को कल रात मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। लव बर्ड्स यहाँ कैजुअल लुक में नजर आए। दीपिका ने रणवीर को गुड बाय कहते हुए गले लगाया और साथ ही एक स्वीट सी किस भी दी, जैसा कि आप तस्वीर में देख ही सकते हैं। रणवीर सिंह को ब्लैक टी शर्ट, गॉगल्स, कैप और डेनिम्स में देखा गया। वहीं दीपिका पोल्का डॉट्स व्हाइट जैकेट, ब्लैक टॉप, लेगिंग्स, गॉगल्स और हैट में स्पॉट की गयी। कार में बैठने से पहले दीपिका ने अपने बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह को किस दिया। बता दें, ये जोड़ी इन दिनों डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी के प्रमोशन में बिजी है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में दिन ब दिन नए नए खुलासे होते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको उस बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने ये खुलासा किया है कि उसने पैसों के लिए कई लोगों के साथ सेक्स किया था। ये कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा है। असल में एक जानी मानी वेबसाइट को दिए वीडियो इंटरव्यू में शर्लिन चोपड़ा ने कन्फेस किया था कि वो पैसों के लिए लोगों के साथ सेक्स किया करती थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने दर्द को बयां करते हुए बताया कि पहले वो अपने कॉलेज फीस के लिए ऐसा किया करती थी, लेकिन बाद में ये उनका लाइफस्टाइल बन गया था। शर्लिन ऐसा करके ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी और ये शॉर्टकट तरीका अपनाती थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बहुत जल्द ही बहुचर्चित अमेरिकन थ्रिलर शो क्वांटिको में नजर आने वाली है, लेकिन इसमें प्रियंका चोपड़ा एक नीले रंग की बिकिनी में नजर आएंगी जिसकी तस्वीरें लीक हो गई हैं। इन तस्वीरों में वो अपनी सह कलाकार के साथ स्विमिंग पूल में नहाते हुए दिखेंगी। वो काफी हॉट एंड सेक्सी अवतार में नजर आएंगी। क्वांटिको में भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा काफी चर्चित हो रही हैं, क्योंकि इसमें वो पहली भारतीय अदाकारा है जो अभिनय कर रही है। ये थ्रिलर श्रृंखला अमेरिका में काफी फेमस है। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा इसमें FBI एजेंट की भूमिका निभा रही है। ये अमेरिकी थ्रिलर क्वांटिको भारत के साथ साथ अमेरिका में काफी फेमस हो रहा है, जिसके टेलीकास्ट होने का प्रियंका के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में बिकिनी किलर चार्ल्स सोबराज पर बनी फिल्म मैं और चार्ल्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस वीडियो में बेहद हॉट, बोल्ड और जबरदस्त सीन्स दिखाई दे रहे हैं। मैं और चार्ल्स एक काल्पनिक थ्रिलर ड्रामा है और ये सत्य घटनाओं से प्रेरित होकर बनाया गया है। आपको बता दें कि चार्ल्स एक चालाक और शातिर अपराधी है। लड़कियों से संबंध रखने के मामले में भी उसका अपना इतिहास साबित हो चुका है। उससे कई साल छोटी उसकी महबूबा कहती है कि वो जब कभी चार्ल्स को देखती है तो शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा होती है। फिलहाल इस समय चार्ल्स नेपाल के काठमांडू जेल में बंद है। ये फिल्म आदरणीय भारतीय पुलिस अमोद कांत के द्वारा सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज के बारे में बताई हुई कहानी पर आधारित है। फिल्म में रणदीप हुडा, रिचा चड्ढा, आदिल हुसैन और जिस्का चोपड़ा अहम किरदारों में हैं और फिल्म के डायरेक्टर प्रवाल रमन हैं। फिल्म के टाइटल मैं और चार्ल्स में मैं का मतलब अमोद कांत है और उनके द्वारा बताई गई कहानी को फिल्म के माध्यम से दर्शाया जाएगा।